सारंगढ़ के छिदगांव में गौ मांस की तस्करी करते दो युवकों को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा और जांच में जुटी पुलिस। दरअसल छिद से सटे सलहे गांव के ग्रामीणों ने गाय मांस काटकर बिक्री करने ले जा रहे दो स्थानीय युवकों की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद थाना प्रभारी गोपाल ध्रुवे के निर्देश पर सारंगढ़ की पुलिस टीम ने दोनों युवकों को उनके घर से दो बोरियों में लगभग 10 किलो के अलग अलग गाय मांस के पैकेट के साथ धर दबोचा और दोनों युवकों को थाना अभिरक्षा में लगाया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में थाना प्रभारी गोपाल ध्रुवे ने कहा, पकड़े गए छिनाऊ नाम के युवक ने युवक के बताए अनुसार गांव के पास मारा हुआ पड़वा था जिसको काट कर उस रखे थे, जिसकी हम परीक्षण कर रहे हैं। आगे परीक्षण के बाद जो भी रिपोर्ट आता है उस आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस वही बोल रही है कि पड़वा है करके, आपको क्या लगता है कि हमारे तो पड़वा नहीं है, वो गाय ही है, मतलब बेचने के लिए ही लेके जा रहा है, जिस हिसाब से पैकिंग किए हैं हिसाब से बेचने के लिए ले जा रहा है। छिंदगांव से एक सूचना मिली है और अपने घर में गांव मार सूचना पर पुलिस मौके पर गई और उसके पास लगभग 10 किलो मांस मिला हुआ। पुलिस जांच पर उसने बताया कि मरा हुआ पड़वा एक जानवर है, उसका मांस को ला के रखा है। मांस को हम लोग परीक्षण के लिए वेटरनरी डॉक्टर के पास भेज रहे हैं, रिपोर्ट आने के बाद उसको वैधानिक कार्रवाई की। अभी क्या पता चल पाया सर, किसके पास से खरीदने के बाद सामने आया, तो किसके पास खरीदे हैं कुछ पता चल पा रहा है? अभी तक छिनाऊ के पास मिला है। अब इसका कहना है 1 ग्राम साले में पड़वा मरा हुआ मिला उसी का मांस, क्योंकि मांस को हम लोग परीक्षण के लिए डॉक्टर के पास भेज रहे हैं, वहाँ से जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद। सारंगढ़ से प्रवीण थॉमस के साथ गोविंद बरेठा की रिपोर्ट। रायपुर नगर निगम को खुले में स्वच्छ मुक्त करने के अभियान के तहत नगर निगम आयुक्त श्री रजत बंसल ने आज सुबह जोन 2 तथा जोन 3 के खुले में स्वच्छ के लिए चिन्हित जगह की जांच की। इस दौरान काम में लापरवाही पाए जाने पर वे अधिकारियों पर जमकर बरसे, उन्हें कार्रवाई की चेतावनी भी दी। शंकर नगर तथा लाभांडी क्षेत्र में बिल्डरों द्वारा निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए शौचालय नहीं बनाए जाने पर उन्हें नोटिस देकर आज 30,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। रायपुर से सोना दीवान की रिपोर्ट। अखांजूर कांकेर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंतर्गत जगह जगह आदिवासी भाई के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अखांजूर कांकेर से विजय कुमार की रिपोर्ट। पखांजूर थाना अंतर्गत ग्राम PVR चाणक्यपुरी में सांप के काटने से एक 45 वर्षीय आदमी की मौत हो गई। वे सुबह अपने खेत में घास बीन रहे थे, उसी समय उन्हें सांप ने काटा। अस्पताल लाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पखांजूर से विजय कुमार की रिपोर्ट। कांकेर पखंजूर आदिवासी समारोह में शामिल होने आ रही लोगों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर गई, जिसमें सवार 3 लोगों की गंभीर चोटें आई, जिनका उपचार कापसी के अस्पताल में चल रहा है, पुलिस जांच कर रही है। कांकेर से विजय कुमार की रिपोर्ट। अंबागढ़ चौकी विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बुधवार को स्थानीय मैदान में महासभा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम लगभग दोपहर 12 बजे शुरू हुआ। सबसे पहले आदिवासी समाज के लोगों का नगर में रैली निकाली। इस रैली में आदिवासी कंवर समाज, हलवा समाज एवं सर्व आदिवासी समाज के लोग ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने हक के लिए आवाज बुलंद की। यह रैली लगभग 1 किलोमीटर लंबी रैली थी। इस रैली में समाज के लोग तख्तियां लेकर चल रहे, जिसमें आदिवासी ने ठाना है देश में परिवर्तन लाना है, भारत के मूल निवासी आदिवासी जल जंगल और जमीन हमारा है, हमारा आदिवासी का शोषण बंद करो लिखा था। रैली में समाज के लोगों ने पैसा एक्ट लागू करो एवं 5वीं अनुसूचित लागू करो के नारे लगाए। यह रैली स्थानीय खेल मैदान से निकलकर बस स्टैंड, अंबेडकर चौक, बाजार चौक, गुप्ता चौक से होते हुए कार्यक्रम स्थल में वापस आई। मंच में बैठे समाज के लोगों ने कहा कि सरकार पैसा एक्ट लागू करे और 5वीं अनुसूचित लागू करे। इस
आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में विशाल आयोजन रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि सम्मान सिंह सेवा निवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर, अध्यक्षता बीपी एस नेताम सेवा निवृत्त आईएएस रायपुर तथा विशेष अतिथि आरबी सिंह सेवा निवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर, विधायक तेज कुलवर नेताम, पूर्व विधायक गोवर्धन नेताम, संजीव शाह और भी मान्य और भी बड़े लोग इसमें शामिल थे। अंबागढ़ चौकी से हरदीप छाबड़ा की रिपोर्ट। रायपुर, दिल्ली के जंतर मंतर में कांग्रेसियों का प्रदर्शन शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, सत्यनारायण शर्मा, धीरेन्द्र साहू सहित 20 से अधिक विधायक और सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में आज मौसम भी ठीक नहीं है, सुबह से बारिश हो रही है। बारिश के बीच कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन जारी। रायपुर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। रायपुर राजधानी की सड़कों पर आज किसानों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। अपनी अलग अलग मांगों को लेकर राजभवन के मार्च कर रहे किसानों को हालांकि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया, जिसके बाद आक्रोशित किसान अपने अपने कपड़े उतारकर सड़क पर बैठ गए। किसानों ने धान का बोनस व किसान की आत्महत्या और अन्य मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। किसान इसलिए भी आक्रोशित थे क्योंकि राज्यपाल से मिलने का इन्होंने जो वक्त मांगा था वो वक्त उन्हें नहीं दिया गया। किसानों ने राज्यपाल से मिलने का वक्त 4 बजे का मांगा था, लेकिन इन्हें मिलने का वक्त दोपहर 12 बजे का दिया गया। इससे पहले किसान बोनस और अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी का विधायकों का घेराव कर चुके हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के भी सीनियर नेताओं से इनकी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन किसानों की मांगों पर गौर नहीं किया गया। रायपुर से मुकेश चंद्राकर की रिपोर्ट। दुर्ग जिला सहकारी बैंक के सीईओ को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बुधवार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी सीईओ बिल भुगतान की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। प्रार्थी अजय सिंह, जो कि कोहका में शहीद वीर नारायण सिंह प्रिंटिंग प्रेस का संचालक है, जो कि जिला सहकारी बैंक में प्रिंटिंग स्टेशनरी सप्लाई करता है, 189,000 बिल के भुगतान के एवज में विनोद गुप्ता सीईओ जिला सहकारी बैंक ने 27,000 रुपए की मांग की थी। रिश्वत नहीं देने पर भविष्य में जिला सहकारी बैंक में कोई भी सप्लाई कार्य का ठेका नहीं देने की धमकी दे रहा था, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने एसीबी को इसकी शिकायत की थी। आज दिनांक को रिश्वत देने की तारीख तय थी, जिस पर एसीबी ने कार्रवाई करते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी ने आरोपी विनोद गुप्ता पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। दुर्ग से फहीम खान की रिपोर्ट। धमतरी, छत्तीसगढ़ एक बार फिर आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठी है। यह मांग सरकार के मंत्री अजय चंद्राकर उपस्थित में उठी है, जिसका वह उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में स्वागत किया। यह नई कार्यक्रम में मंत्री की उपस्थिति में ही सरकार पर आदिवासी नेताओं ने जमकर निशाना साधा और सरकारी की काफी आलोचना भी की। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर धमतरी के भाकरा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में आदिवासी नेताओं के अलावा हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। धमतरी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सुकमा, घोर नक्सली प्रभावित इलाके चिंतलनार से करीब 100 से ज्यादा आदिवासी महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर का घेराव किया। राशन नहीं मिलने सहित कई मांगों को लेकर यह महिलाएं कलेक्टर पहुंची थी। कलेक्टर ने महिलाओं की मांग का तुरंत ही समाधान कर दिया। बुधवार को चिंतलनार और आश्रित ग्राम नरसापुरम से करीब 100 से ज्यादा आदिवासी महिलाएं अपनी मांग को लेकर जिला मुख्यालय पहुंची। महिलाओं ने बताया कि उन्हें कई महीनों से राशन नहीं मिला, बारिश में यहाँ की सड़कें बेदहाल हो जाती है, कई जगह पुल खोद कर रखा गया है जिनके कारण आवागमन प्रभावित है, यही वजह है कि वहाँ राशन नहीं मिल रहा है। पिछले 6 महीने से सोलर प्लांट खराब पड़ा है हुआ है। दरअसल उस इलाके में सलवा जुड़म 2015 के समय नक्सली ने बिजली पोल को गिरा दिया था, तब से वहाँ लाइट नहीं है। कुछ साल पहले प्रशासन ने सोलर प्लांट लगाया था, वो भी अक्सर खराब होता रहता है। पिछले कई महीने
आने से खराब पड़ा हुआ है। इसके अलावा भी कई समस्याएं हैं, जिसे केरोसिन तेल 2016 से नहीं मिल रहा है, सोलर प्लांट खराब पड़ा हुआ है, चिंतलनार में गैस सिलेंडर नहीं है, स्टाफ नर्स नहीं है, स्कूल की परेशानी, हैंड पंप की कमी, तालाब की सफाई नहीं हुई, ऐसे कई समस्याएं हैं। सरपंच पति पड़ोसिया कोसा ने बताया कि गांव में बहुत समस्याएं हैं। सुकमा से गोलू गेडाम की रिपोर्ट। बलौदा बाजार भटगांव परियोजना कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी की निष्क्रियता के कारण शासन की योजनाओं का लाभ नगर वासियों को नहीं मिल पा रहा है, जिसका ताजा उदाहरण भटगांव के ग्रामीण बैंक के पास फेंके गए कचरों की ढेर में आंगनबाड़ी द्वारा वितरण किया जाने वाला दूध मिला, जिसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र किस तरह से संचालित हो रहा है। अवलोकन कर नगर वासियों ने उचित कार्रवाई करने की मांग की। बलौदा बाजार से अखिल मानिकपुरी की रिपोर्ट। बलौदा बाजार लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सनम जागड़े जी का जन्म बड़ी धूमधाम से विधायक कार्यालय बिलाईगढ़ में मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे मनोहर सरजाल, गुड्डा साहू, पंकज सरजाल, राम कुमार साहू, संजय यादव, परस गणेश यादव, मोहन मानिकपुरी आदि हजारों की संख्या में थे। बलौदा बाजार से अखिल मानिकपुरी की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा सात सूत्री मांगों को लेकर डबरा शासकीय महाविद्यालय के छात्र बैठे आमरण अनशन पर, कई सालों कर रहे हैं महाविद्यालय की जरूरत मूलभूत सुविधाओं की मांग, प्रशासन द्वारा बार बार किया जा रहा है नजरअंदाज, जिससे नाराज होकर छात्र बैठे हैं आज से आमरण अनशन पर। जांजगीर से संजय ठारवानी की रिपोर्ट। खजडोल आंगनबाड़ी केंद्र में वितरण के लिए आया अमृत दूध मिला कचरे के ढेर में, एक्सपायरी नहीं हुई है, अमृत दूध सड़क किनारे कचरे में ढेर में फेंका गया है। देवभोग का अमृत दूध बालोदा बाजार जिले के भटगांव परियोजना का है। मामला प्रदेश में बढ़ते कुपोषण द्वार को कम करने के लिए चलाई जा रही है अमृत दूध योजना, महिला एवं बाल विकास विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। खजडोल से आशुतोष बंछोर की रिपोर्ट। कानपुर देहात सिवली थाना क्षेत्र के कुठवा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत। कानपुर देहात से विवेक कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट। हम है आपका विश्वास, हम है आपकी आवाज, हम जरिया है आपकी भावनाओं का, हम है आपका भरोसा। खबर से लेकर असर तक हम दिखाते हैं बुरी खबर। हम है CNI News।